श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस साल जनपद में धूमधाम से मनाई गई। गोलघर स्थित जलकर परिसर में श्री कृष्ण जन्म की मनमोहक झांकियां सजकर घरों और सार्वजनिक स्थलों पर लगी तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शुक्रवार को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि जलकर परिसर में रंग बिरंगी लाइटों से पंडाल को सजाया गया तथा भारी संख्या में लोगों ने जन्माष्टमी के पावन पर्व पर लुत्फ उठाया, जिसके संबंध में जलकल के अध्यक्ष राम आधार पटेल ने बताया कि जलकल परिसर में जन्माष्टमी का पर्व विगत 50 वर्षों से धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन कोरोना काल के चलते 2 साल से स्थगित किया गया था, लेकिन इस साल धूमधाम के साथ आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि जलकल परिसर में दर पर दर विस्तार होता गया, गोलघर मार्केट और जलकल पब्लिक से भरा होता है, कई हजारों की संख्या में लोग यहां आते हैं तथा प्रशासन और पुलिस की पूरी तरह सहायता रहती है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति बनी है। समिति के लोग इसमें सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं और उनके देखरेख में जन्माष्टमी संपन्न होता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जलकल एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष राम आधार पटेल ने कहा, अध्यक्ष जलकल एम्प्लॉयज यूनियन। जन्माष्टमी का पर्व जो है विगत 40-50 वर्षों से यहाँ मनाया जाता है बड़े धूमधाम के साथ। उसी क्रम में विगत दो वर्षों से जो है कोरोना काल को देखते हुए स्थगित था, इस साल फिर धूमधाम से इसका आयोजन किया गया है। क्या इसका जन्माष्टमी का पर्व जो कि 40-50 वर्षों से मनाया जाता है, पहले इसको संक्षेप में था, धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया जो है, और इस साल बढ़ते बढ़ते इस कदर हुआ है कि पूरा गोलघर और पूरा जलकल परिसर जो है खचाखच दर्शनार्थियों से भरा रहता है, और इसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग, महिला पुलिस सब लोग इसकी व्यवस्था में रहते हैं, और जन्माष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति बनी है, उसके लोग भी इसमें सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं, सबके देखरेख में संपन्न होता है। कितनी भीड़ होती है? अरे एक हज़ारों हज़ार की भीड़ होती है यहाँ पे जो है, महिलाओं पुरुष बच्चे सब लोग रहते हैं इसमें। हाँ, दर्शनार्थियों के लिए महिलाओं की व्यवस्था अलग होती है, पुरुषों की अलग होती है।